एथर इलेक्ट्रिक बाइक भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में एथर एनर्जी ने काफी नाम कमा लिया है। इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। सेल के मामले में यह ओला से भी आगे निकलते जा रही है। एथर का फ्यूचर प्लान, कंपनी ने चार्जिंग स्टेशंस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया है, इस कारण से इसकी बिक्री बढ़ी है। अब ये स्टार्टअप अपनी 10वीं सालगिरह मना रही है। इसी बड़े अवसर पर कंपनी ने भविष्य के प्लान की रूपरेखा तैयार कर ली है। एथेर एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी ज्यादा काम करती है। अब वह आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण करने वाली है। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर तरुण मेहता ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक के लॉन्च करने की बात मीडिया से साझा की है। नई स्कूटर लाएगी एथर। एथेर एनर्जी इसी साल अपनी एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली है। इसकी टेस्टिंग फिलहाल जारी है और इसकी कई तस्वीरें भी इंटरनेट पर लीक हो गई है। एथर एनर्जी की यह स्कूटर अभी के मुकाबले काफी अलग होगी। इसे प्रीमियम स्कूटर के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए मेहता ने कहा है कि उनकी यह स्कूटर बड़े बैटरी पैक और डायमेंशन के साथ आएगी, यानी कि यह एक बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकती है जिसकी कीमत भी ज्यादा होगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे बात करते हुए कहा है कि वह अपने भारतीय परिवार को ध्यान में रखते हुए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाले हैं। यह एक बड़ा लॉन्च होगा, जिन्हें भी एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वह इनका प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए ये टू व्हीलर काफी अच्छा होने वाला है। फिलहाल एथर के पोर्टफोलियो में 450 सीरीज की इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी ज्यादा बिकती है। इसमें काफी अच्छे फीचर्स शामिल किए गए हैं। समय समय पर कंपनी अपग्रेड देकर इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की फीचर्स को बढ़ाती रहती है। यही कारण है कि अब मार्केट में इनका दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में खुद को स्थापित करने के बाद अब कंपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक पर भी काम कर रही है। एथर ने बताया है कि भविष्य में वह इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इलेक्ट्रिक बाइक को बचना भी शुरू करेंगे। 2026 तक उनकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो जाएगी, जो अन्य सभी बाइकों के मुकाबले ज्यादा अच्छी होगी। अब देखना होगा कि कंपनी इसे कब तक लाएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।